Guys, so let us begin with another section. Let us continue with this chapter about development. So last time हम लोगों ने क्या देखा कि development जो है वो development का अलग अलग notion या development का अलग अलग goal हो सकता है different groups के लिए, right? Based on, you know, like in what exact circumstances they are, right? Life की किस situation में है वो, या फिर social development या existence के किस level पर हैं वो, उस आधार पर जो है उनका goal अलग हो सकता है. Gender जो है उसके आधार पर developmental goal अलग हो सकते हैं. Region के आधार पर developmental goals अलग हो सकते हैं. अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो यहाँ पर जो है इनफैक्ट कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर भी developmental goals जो है वो अलग हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच ऑल्सो अफेक्ट आवर इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को भी प्रभावित करते हैं. समझे कि नहीं? तो इस वजह से जो है कह सकते हो कि अलग अलग लोग या अलग अलग सोशल ग्रुप, उन सभी का जो है अलग अलग नोशन होगा, और इसमें से कुछ का जो डेवलपमेंटल गोल होगा वो कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकता है. ये एक चीज हो गई. दूसरी बात यह कि जो हमने बात किया था कि जो एक डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के लिए लोग जो है वो एक गोल, मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल गोल को सिर्फ देखते हैं. वो मिक्स ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने जेंडर के आधार पर ही बात कर ली, कोई अगर एक लड़की होगी, कोई महिला अगर होगी, तो उसका एक गोल होगा टू, यू नो, लाइक एक गोल माना गया, ठीक है, चलो उसको पढ़ाई की सुविधा मिल गई, वो नौकरी कर लेगी, उसके लाइफ बल्ले बल्ले है, ठीक है, उसको जो चाहिए मिल गया. लेकिन नहीं, इतना काफ़ी नहीं है. ओके, उसके लिए और उसकी क्या इच्छा, होगी कि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो, सोसाइटी में जो है वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्टेड हो, राइट. साथ ही साथ जो है एक इस तरीके का जो है एक सोशल, कह सकते हो कि थिंकिंग तैयार हो, एक जो है सोशल सिस्टम तैयार हो, जहाँ पर कि महिला पुरुष सब जो है वो अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है बराबर जिम्मेदारी के साथ कैरी करे, कि पूरी पूरी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के ऊपर ना आ जाए. ये सब सारा सेटअप अगर चेंज होता है, दैट वुड बी द एग्जैक्ट नो लाइक डेवलपमेंटल गोल फॉर द वुमेन इन द सोसाइटी. तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट का मतलब जो है एक चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, राइट. अब आगे हम बात करते हैं, चूँकि लोग जो है, तो ऐसे में अगर मान लो कि जब इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर किसको क्या चाहिए डेवलपमेंट के तौर पर उसमें अगर डिफरेंस हो सकता है, तो आखिरकार फिर नेशनल लेवल पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो भाई और ढेर सारी, क्या कहोगे, डाइवर्सिटी आ जाती है, राइट. और इतनी डाइवर्सिटी के बीच में फिर भला हम नेशनल डेवलपमेंट का कैसे प्लान किया जा सकता है. तो यहाँ पर जो है कुछ एक की क्वेश्चन हमें पूछना पड़ता है खुद से भी, कि पहली बात, क्या सभी आइडियाज जो हैं उनको बराबर का महत्व मिल सकता है, या फिर अगर मान लो कि कुछ अगर सर्टेन ग्रुप्स के डेवलपमेंटल गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर आप कैसे डिटरमिन करिएगा कि कौन सा डेवलपमेंटल गोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर कौन सा ऐसा रास्ता होगा जो कि सबके लिए उचित हो, ठीक है. इसके अलावा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि चीज़ों को करने का कोई इससे बेहतर तरीका हो सकता है, राइट. क्या जो हम जो पर्टिकुलर प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर आइडिया हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाएगा, या बहुत कम मुट्ठी भर लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा. ये सारे कुछ की क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें सोचना पड़ता है, जिनके बारे में जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स, राइट. या फिर जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब एक सिंपल सा आपको जो है एक एग्जांपल दिया गया है आपके यहाँ, कि एक जो है जहाज जो होता है वो मोटा मोटी 500 टन जो है लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो है वो ऐसे ही खुले में फेंक के चला जाता है समुद्र के आसपास एक शहर में, ठीक है. ये जो है एब्दिजान, जो कि आइवरी कोस्ट में मौजूद है, उस शहर में होता है. ये अफ्रीका की एक कंट्री है. उस हाईली टॉक्सिक वेस्ट से जो फ्यूम निकलता है, गंध निकलता है, गंध फैलता है, उसकी वजह से जो है लोगों में जो है नौजिया, स्किन रैशेस, बेहोशी, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है. एक महीने के बाद जो है 7 लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं, 20 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और 26,000 लोगों को जो है पॉइजनिंग के सिम्टम्स के लिए इलाज दिया जाता है. एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पेट्रोलियम में डील करती है, पेट्रोलियम और मेटल्स में, उसने वहाँ के आइवरी कोस्ट के एक लोकल कंपनी वाले के साथ डील किया था इस टॉक्सिक वेस्ट को जो है डिस्पोज करने के लिए. अब पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन से लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ इस चीज़ में और किनको नहीं हुआ. ऑफकोर्स जो लार्ज मल्टीनेशनल जो कंपनी है जो कि पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करती है, उसको तो फ़ायदा हुआ ही, क्योंकि उसको जो है एक सस्ता तरीका मिल गया अपने टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने का. जो एक कंपनी मौजूद है आइवरी कोस्ट में, उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको जो है आमदनी हो गई इससे.
नुकसान आई मीन फ़ायदा किसको नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स जो उस शहर में रहने वाले लोग हैं, जो अबिदजान के जो रहने वाले निवासी जो हैं उनको फ़ायदा नहीं हुआ, उनको एक्चुअली जो है ज़्यादा नुकसान हो गया। तो यहाँ पर जो है फिर एक अगला सवाल आता है कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री, कि इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए। तो इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि किसी भी तरीके का जो पहला डेवलपमेंटल गोल ये होगा दैट ऑल द बिजनेसेस आर रन इन रिस्पॉन्सिबल मैनर सो दैट द कॉमन पब्लिक्स हेल्थ इज नॉट जेपरडाइज्ड। ओके, यहाँ का पहला डेवलपमेंटल गोल तो ये होगा कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो एथिकल तरीके से ऑपरेट करें, राइट, और लोगों को जो है वो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स के तरफ जो है इंडस्ट्रियल हैजार्ड से जो है एक्सपोज ना करें, राइट, तो ये उनका जो है एक डेवलपमेंटल गोल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको अपने गांव के डेवलपमेंटल गोल के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहाँ भी बता सकते हैं कि आपके गांव का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, बेहतर रोड चाहिए या फिर बेहतर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बेहतर कम्युनिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब आगे बात ये आती है कि ठीक है चलो डेवलपमेंटल गोल वगैरह जो है वो अलग अलग कंट्री के अंदर भी जो है अलग अलग हो सकता है। आगे फिर आता है कि डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स उनके डेवलपमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, किन ग्राउंड्स पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लो सबके लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब है तो ऐसे में कुछ कंट्रीज हैं जिनको कि डेवलप्ड कहते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनको कि डेवलपिंग कहते हैं, कुछ को अंडर डेवलप्ड कहते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं हम ये चीज़। अब देखो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर आप डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते वक्त जो है एक परेशानी आती है, परेशानी ये आती है कि किस आधार पर कंपेयर करते हैं। अगर मान लो क्लास में स्टूडेंट्स को ही कंपेयर करें, राइट, कि हेल्दीएस्ट स्टूडेंट कौन है, कूलेस्ट स्टूडेंट कौन है, स्मार्टेस्ट स्टूडेंट कौन है, अलग अलग तरीके से मान लो ठीक है बच्चों की अलग अलग रैंकिंग हो सकती है, राइट, लेकिन अगर इसमें जो है अगर हम कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अगर दो बच्चों को हम कंपेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि उसमें से एक जो है वो काफ़ी हेल्दी हो, दूसरा जो है काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो हेल्दी नहीं है पूरा, या जो हेल्दी है वो जो है पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देता है। तो अगर इसमें हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इट इज़ लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट, तो एप्पल्स और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर लोगे भाई, प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको जो है कुछ ना कुछ एक कॉमन ग्राउंड निकालना पड़ता है। आप क्या करते हैं, कुछ कॉमन क्राइटेरिया को उठा लेते हैं, और ये क्लासरूम पार्टिसिपेशन का लेवल क्या है, स्टडी के एफर्ट का लेवल क्या है, अटेंडेंस का रेशियो क्या है, आप कुछ कॉमन ग्राउंड उठाते हो और फिर उस कॉमन ग्राउंड पर आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर करके जो है बताते हो, है कि नहीं। हमारे यहाँ जैसे एग्जाम में ही अगर कंपेयर किया जाता है तो एग्जाम में क्या किया जाता है, एक सिंपल ग्राउंड उठा लिया गया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर हम रैंकिंग दे देते हैं स्टूडेंट्स को, है कि नहीं। तो वैसे ही जब भी अब दो अलग अलग चीज़ों को या दो अलग अलग ग्रुप को अगर कंपेयर करने की ज़रूरत होती है तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम कुछ जो है कॉमन या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ कॉमन या जनरल गुणों को ढूंढ लेते हैं कि इसके आधार पर हम इनको अब कंपेयर करने वाले हैं। ओके, अब अगर मान लो कि कंट्री को अगर आप जो है कंपेयर करिएगा तो इसमें जो है इनकम को एक आधार बनाया जा सकता है, राइट, अच्छा ये कंट्री जो है इसका इसका जो है सालाना इतना आमदनी है, इस कंट्री का सालाना आमदनी इतना है, तो चलो ठीक है दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी इसमें कि इसका आइडिया यह है कि जिस कंट्री का जितना आमदनी होगा उसके पास जो है खर्चा करने के लिए उतना साधन मौजूद है, जितना वो खर्चा करेगा उस आधार पर जो है लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इस आधार पर जो है जितना पैसा है उतना आप डेवलप्ड हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब कंट्री पहली बात तो कंट्री के इनकम की बात आती है तो कंट्री के इनकम का मतलब क्या हो गया, तो कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका कुल जमा इनकम कितना हो गया, सबकी कुल आमदनी जो है वो कितनी हो गई, ठीक है। अब इस कंपैरिजन में प्रॉब्लम ये आती है कि कोई कंट्री बड़ा है कोई कंट्री छोटा है, कंपेयर कैसे कर लेंगे उनको हम, किसी कंट्री का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है किसी कंट्री का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, अगर ऐसे में सिर्फ हम टोटल इनकम को कंपेयर करने बैठेंगे तो हमें जो है बहुत ही गलत रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही गलत फिगर मिलेगा। और इसलिए इसका रास्ता ये खोजा जाता है कि अगर मान लो ठीक है डिफरेंट कंट्रीज के पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस है, राइट, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम ऐसा करते हैं उनका एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, हर एक कंट्री के लोगों का जो है एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं। ये जो एवरेज इनकम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं कि टोटल इनकम उठा लीजिए और फिर जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको जो है एवरेज इनकम मिल गई। इस एवरेज इनकम को जो है पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब जैसे मान लो कि US का जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,056 पर एन डॉलर्स US डॉलर पर एनम है, मोटा मोटी 2017 की बात है ये। तो इस तरह के कंट्रीज जो है वो रिच कंट्रीज कहलाएंगे। दूसरी तरफ जो है
वो कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो यूएस आई मीन 955 यूएस डॉलर्स से डॉलर्स या इससे कम है उनको लो इनकम कंट्री कहते हैं। इंडिया जो है वो लोअर मिडल में है, मतलब बहुत ऊपर तो नहीं है, पूरा नीचे भी नहीं है, थोड़ा बीच बिछा में है, ठीक है, थोड़ा ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पर कैपिटा इनकम 2017 में जो था वो बस 1820 यूएस डॉलर था पर एनम, मतलब कि हर एक साल। तो ये एक तरीका है एवरेज इनकम के आधार पर आप जो है कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अब चलो ठीक है, एवरेज के आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या ये भी परफेक्ट है? अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा आता है कि मान लो कि हम दो कंट्रीज ए और बी की बात करते हैं, राइट, और एक सिंपलिसिटी के लिए मान लो कि ठीक है दोनों में बस 5-5 लोग रहते हैं, और टेबल 1.2 में आपको डेटा दिया गया है। यहाँ पर क्या है, कंट्री ए जो है इसमें सिटीजन का इनकम जो है वो है 9500, 10500, 9800, 10000, 10200, सब आसपास में है, एवरेज निकाल लो, ठीक है आप इसका। दूसरी जो कंट्री है इसमें जो चार जो सिटीजन्स हैं उनका आमदनी 5500 रुपये महीना है, एक जो बंदा है वो 48000 जो है वो कमाता है, भाई बहुत मजे हैं उसके। अब यहाँ पर ये सवाल एक उठता है आपसे कि आप किस कंट्री में रहना पसंद करिएगा। यहाँ पर ज़्यादा चांस ये है कि आप जो है कंट्री बी में तभी रहना पसंद करिएगा जब आप पांचवें सिटीजन बन जाए जिसकी आमदनी 48000 रुपये है, अदरवाइज आप जो है कंट्री बी में रहना पसंद नहीं करिएगा। आप जो है प्रेफर करिएगा कंट्री ए में रहना जहाँ पर सबकी लगभग एक जैसी आमदनी है और वो आमदनी ठीक ठाक है, बढ़िया है, राइट, सब जो है 9500 लोएस्ट हो गया, 10200 जो है आपका हाइएस्ट हो गया, तो ये बेहतर है, कम से कम बराबर का इनकम है, राइट। क्योंकि कंट्री बी में क्या होगा कि कुछ एक आदमी जो है वो एक्सट्रीमली रिच है, बाकी जो है वो एक्सट्रीमली पुअर है। कंट्री ए में क्या है कि सब बराबर बराबर है, तो मतलब समझे कि नहीं, कि एवरेज इनकम के टर्म्स में बात करो तो कंट्री ए और बी दोनों बराबर में है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्री ए जो है वो कंट्री बी से बेहतर है। रीजन ये है कि कंट्री ए का इनकम जो है वो ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो ज़्यादा बराबरी बराबरी में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस वजह से कंट्री ए में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास एक कह सकते हो कि डिग्निफाइड जीवन जीने का जो है जीने के लिए जो आमदनी चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो होने का जो है ज़्यादा चांसेस होंगे वहाँ पर, राइट। सो दैट इज़ द आइडिया। तो इसलिए जो है सिर्फ एवरेज इनकम जो है उसको हम क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं, एवरेज इनकम के अलावा जो है हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना इवन है, वो कितना बराबर है। ओके, नाउ लेट अस लुक यू नो लाइक जस्ट क्विकली रिव्यू द सेक्शन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। पहली बात की तीन ऐसे एग्जांपल जहां पर कि एवरेज जो है वो सिचुएशन कंपेयर करने में यूज होता है, ऑफ कोर्स लाइक किसी भी बिजनेस को कंपेयर करने में भी हम एवरेज निकाल सकते हैं कि इसका जो है एवरेज इनकम कितना रहा है इन 5 ईयर्स में और इसका कितना रहा है एवरेज 5 ईयर्स में। दो बच्चों के परफॉर्मेंस को भी हम जो है एवरेज के आधार पर जो है कंपेयर कर सकते हैं, और एक तो तीसरा तो हो ही गया आपका किसी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करने के लिए भी जो है हम एवरेज लगा सकते हैं। आगे पूछ रहा है कि एवरेज इनकम जो है वो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों है। तो एवरेज इनकम आई मीन सी लाइक इनकम इज वन आई मीन इनकम इज अ कॉन्स्टेंट एस्पेक्ट और कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल गोल इन एनी सिनेरियो, राइट। और ऐसे में जो है हम इनकम को जो है, और चूंकि इनकम के आधार पर ही जो है हमारे बाकी कंजम्पशंस जो है, हमारे बाकी जो उपभोग हैं वो भी डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इनकम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका। अब ऑफ कोर्स जो ओवरऑल इनकम अगर किसी कंट्री की बात करें, किसी कंट्री का लेंगे अगर हम, तो वहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ओवरऑल चूंकि कंट्रीज के पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस होता है, उनके जो है एरिया साइज में डिफरेंस होता है, तो इन सब वजह से जो है हो सकता है कि ये डाटा जो है ज़्यादा रिफ्लेक्टिव या ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव ना हो। तो ऐसे कंडीशन में जो है जो एवरेज इनकम अगर हम निकाल लेते हैं तो पता चल जाता है कि मोटा मोटी उस कंट्री का हर एक नागरिक कितना कमाता होगा, और उस आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि अगर हर एक नागरिक इतना कमाता है तो इतनी कमाई में वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, और अगर वो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है तो उसके जीवन का लेवल जो होगा, उसके लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड जो उसका होगा वो इस स्तर पर होगा, राइट। आगे ये है कि पर कैपिटा इनकम के अलावा और कौन से इनकम के और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि दो या दो से ज़्यादा सोसाइटी को जो है कंपेयर करने में काम आ सकती है। तो देखो पर कैपिटा इनकम के अलावा जो दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकम का वो है द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, लाइक हाउ इक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी इज। किसी समाज में जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इक्वल है, जितना ज़्यादा इक्वल होगा उतना बेहतर जो है वहाँ का कह सकते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उतना बेहतर वहाँ के डेवलपमेंट को माना जाएगा, जितना अनइक्वल होगा उतना जो है डेवलपमेंट उसका जो है क्वेश्चनेबल रहेगा। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एवरेज इनकम किसी कंट्री में जो है वो एक समय से बढ़ता जा रहा है, राइट, लगातार बढ़ रहा है, क्या इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इकोनॉमी के सारे सेक्शंस जो हैं वो बेहतर हो गए हैं?
नॉट नेसेसरीली, मान लो गांव में किसी एक आदमी का सक्सेसफुल बिजनेस है और वो जो है 5 साल में करोड़पति बन गया, तो पूरे गांव का एवरेज इनकम जो है वो तो बढ़ जाएगा उसकी वजह से, लेकिन क्या सभी फैमिली उसके साथ करोड़पति बन गए? नहीं बने। तो मतलब क्या हो गया कि सारे सेक्शंस का जो है डेवलपमेंट वैसा है तो नहीं हो गया ना। तो इसलिए जो है इसको जो है हम इस सिर्फ इस आधार पर कि एवरेज इनकम बढ़ रहा है, इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमी के सारे सेक्शंस जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब आगे ये दिखाया गया है कि आपको जो है पर कैपिटा इनकम लो इनकम कंट्रीज़ का बताना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के आधार पर। सो वेल फॉर दैट यू कैन रेफर टू योर बुक। आगे ये है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। ओके, सोचिए। अभी तो हमारे यहाँ खैर वैसे कहा जा रहा है कि चाइनीज माल को अवॉइड करोगे तो इंडिया ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स यू गाइस हैव मोर यू नो लाइक रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। जस्ट चेक आउट दोज रिसोर्सेज एंड सी हाउ इंडिया कुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, वेल देन हैव फन, बाय बाय।